आदित्यनाथ ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया है। नाव पलटना, सांप काटना भी राज्य आपदा घोषित। सरकार ने दुर्घटनाओं को राज्य आपदा घोषित किया है। सीवर सफाई, गैस रिसाव से मौत भी राज्य आपदा। बोरवेल में गिरने से होने वाली मौत भी राज्य आपदा में आएंगी। आपदाओं से मौत पर परिजनों को मदद मिलेगी। परिजनों को मिलेगी 4-4 लाख रुपए की मदद। ये बड़ा फैसला लिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। सरकार ने कई ऐसी दुर्घटनाओं को राज्य आपदा में शामिल किया है जो अब तक राज्य आपदा में शामिल नहीं थी। सांप काटने को भी राज्य आपदा में शामिल किया गया है। बोरवेल में गिरने से होने वाली मौतें भी राज्य आपदा में शामिल की गई हैं। आपदाओं से मौत पर परिजनों को मदद दी जाएगी, ऐलान किया गया है सीएम की ओर से। 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, ऐतिहासिक फैसला है सीएम योगी आदित्यनाथ का। एक बड़ा फैसला लिया है। संवाददाता फरमान अब्बास इस बीच हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। फरमान, नाव पलटना, सांप काटना जैसे कई ऐसी दुर्घटनाओं को राज्य आपदा में शामिल किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जो इससे पहले राज्य आपदा में शामिल नहीं थी। देखिए, नाव पलटना हो या फिर सांप का काटना हो, सर्पदंश हो, उससे मौत हो, या फिर अगर सीवर सफाई के दौरान कोई हादसा होता है या फिर गैस रिसाव से कोई हादसा होता है, ये तमाम ऐसी दुर्घटनाएं हैं जिनको अब राज्य आपदा माना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। इसमें जो भी पीड़ित होंगे, जो भी जिनकी मौत होगी, उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया गया है कि उनको मुआवजा दिया जाएगा। जाहिर कि तमाम ऐसी घटनाएँ सामने आती रही हैं कि अगर कोई किसान है या कोई दूर दराज गाँव का आदमी है, अगर खेतों पर पानी लगा रहा है, वहाँ पर सांप काटने से उसकी मौत हो जाती है, तो ऐसे में जाहिर कि ये तमाम जो राज्य आपदा घोषित किए गए हैं, जो घटनाएं, वो बहुत लोगों को, आम लोगों को राहत देने वाली होगी। एक बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से ये माना जा रहा है। फरमान, आर्थिक मदद के लिए क्या धनराशि यहाँ पर घोषित की गई है? देखिए, राज्य आपदा जो घोषित किया गया है, चाहे वो सर्पदंश हो या फिर बोरवेल में गिरने से मौत हो या फिर नाव पलटने से मौत हो, इन लोगों की, जो जिनकी मौत होगी, उनके परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और उन मदद की जाएगी। यानी कि जो धनराशि नियत की गई है वो 4 लाख रुपए होगी। बहुत शुक्रिया फरमान इस पूरी बातचीत के लिए।